प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का रूप सबसे अलग होने के बावजूद भी सबको भाता है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहे जाने वाले गणेश जी हमेशा अपने भक्तों का हित ही करते हैं। क्या आपको पता है कि इतने सीधे सरल दिखने वाले गणेश जी का क्रोध अपने पिता की ही भांति अत्यंत तीव्र है। आप नहीं जानते तो आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जब चंद्रदेव भी गणेश जी के क्रोध का शिकार हो गए थे और इसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूषक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान श्री गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। वे उठकर खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं। यह देखकर संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, परंतु इधर उधर तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसता हुआ पाया गया। यह देखकर गणेश जी को शर्म आ गई। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो, यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैत्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही वह हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधेरा छा गया। यह देखकर चंद्रमा गणेश जी के पास गए और कहा, हे दुखहर्ता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो मैंने अभिमान वश आपका परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है, कृपया मुझ पर अपनी श्रद्धा बनाएं और मुझे माफ कर दें। भगवान आप अपना श्राप वापस ले लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते देख गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। यह तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए। उसके अलावा तुम्हारा तेज कम ज्यादा होता रहेगा। उसके अलावा कुछ खास त्योहार पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।